नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है मसूरी की। इस कहानी से वहाँ के स्थानीय लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और आज भी मसूरी की वो जगह, वो खदान सुनसान पड़ी हुई है। दिन में भी लोग उस जगह पर जाने से डरते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों ने दिन के वक्त भी वहाँ पर आत्माओं को देखा है, उनको महसूस किया है। कई बार उनको ऐसा एहसास भी हुआ है कि कोई उनके बगल से गुजर कर चला गया हो या फिर कोई उनके पीछे आकर खड़ा हो। इसी वजह से दिन के वक्त भी वहाँ लोग जाने से डरते हैं, कतराते हैं। वहाँ पर पहाड़ी इलाका होने की वजह से एक्सीडेंट्स तो अक्सर हुआ करते हैं, लेकिन ख़ास करके उस जगह पर एक्सीडेंट होने की तादाद सबसे ज़्यादा है। वहाँ के लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर वो जो भी एक्सीडेंट्स या बुरे हादसे होते हैं, उनके पीछे किसी और का नहीं, वहाँ रह रहे आत्माओं का हाथ है। और वहाँ पर ये आत्माएं किस तरह से आईं, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। कई साल पहले वहाँ पर एक चूने का खदान हुआ करता था, जिसमें हमेशा खुदाई का काम चलता था। बहुत समय पहले वहाँ पर एक महिला थी, जिनको आप आज के ज़माने में साइकिक भी कह सकते हैं। उनको होने वाली चीज़ों का आभास हुआ करता था। उनको ये बात समझ में जब आई कि वहाँ पर कोई हादसा होने वाला है, उनके पति उस खदान में काम करते थे, वो भाग कर उनके पास गईं उनको बताने के लिए कि वो वहाँ के सारे मजदूरों को बताकर वहाँ से निकल जाएं। लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी, तो वो दोनों पति पत्नी खुद ही उस जगह का मुआयना करने के लिए निकल गए। और तभी वहाँ पर एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ 100 से भी ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई। क्योंकि ये मृत्यु सारे लोगों की अकाल मृत्यु थी, तो जो भी आत्माएं होती हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही लोगों की होती हैं। इस वजह से उस जगह पर उस समय के बाद से इतनी आत्माओं का वास हो गया कि धीरे धीरे लोगों को उस जगह पर आत्माओं के अक्सर होने का एहसास होने लगा। वहाँ पर लोगों को दिन में, रात में, हर वक्त लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। खुदाई का काम अभी भी चल रहा हो, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थीं। और उसके बाद वहाँ पर कई सारे लोगों की आश्चर्यजनक तरीके से मौत भी हुई। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि पहले से ही परेशान हो, अगर वो उस जगह पर जाता था तो उसकी अगले दिन लाश मिलती थी। और तफ्तीश के बाद ये पता चलता कि उन लोगों ने आत्महत्या की है। ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और शायद आप भी जानते होंगे कि जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उनके लिए आत्महत्या करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन ऐसे लोगों की मृत्यु सिर्फ वही जगह पर जाकर क्यों हुआ करती थी? सारे लोगों ने इस बात को कुछ समय के बाद मान लिया कि वहाँ पर बहुत सारी बुरी शक्तियों का वास होने की वजह से वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं। इस वजह से अब लोगों ने वहाँ पर जाना बंद कर दिया था। और ये कहानी है मसूरी में दूर से आए एक मजदूर परिवार की, जो कि काम की तलाश में वहाँ उस जगह पर पहुँच गए थे और उनको किसी वजह से चूने की ज़रूरत थी। लेकिन उनके पास पैसे की कमी होने के वजह से वो चूने का दाम चुकाकर उसे खरीद नहीं सकते थे। वो परिवार जहाँ से आया था, वहाँ से भी उन लोगों ने कई सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद थक हार कर मसूरी का रुख करने का तय किया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जगह उनकी ज़िंदगी में मुश्किलों के साथ साथ तबाही भी लेकर आने वाली है। उस परिवार में माता, पिता
और दो छोटे बच्चे थे, एक 2 साल का बच्चा था और एक 4 साल की बेटी थी। वो उसी पहाड़ी के आसपास रह रहे थे जहाँ के बारे में मैं अभी आपको बता रही थी। उनको जब ये बात पता चली कि वहाँ बहुत पुरानी एक चूने की खदान है, वहाँ पर वो खुदाई करके चूने का इंतज़ाम करने के लिए पति पत्नी दोनों पहुँच गए। बच्चों के छोटे होने के वजह से उनको घर में अकेले वो छोड़ नहीं सकते थे। इस वजह से जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वो अपने बच्चों को साथ लेकर गए थे। उन्होंने बच्चों को साइड में पेड़ की छांव में बिठाकर अपने हिसाब से चूने की खुदाई शुरू कर दी। चूने की क्वालिटी वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन पाई जाती थी, इस वजह से उन्हें वो मिल गया। और जब वो वहाँ से लेकर आगे बढ़ने लगे, अचानक उन्हें भी उन्हीं आत्माओं का एहसास होने लगा जिसके बारे में वहाँ के सारे स्थानीय लोग अच्छी तरह से वाकिफ थे। ये एहसास सबसे पहले उनके 4 साल की बेटी को हुआ। बेटी ने माता पिता को इशारा करके उस औरत की तरफ दिखाना शुरू किया जो उसे साफ साफ दिन के उजाले में नज़र आ रही थी। माता पिता ने बेटी के इशारा करने पर उधर मुड़कर देखा, लेकिन उन्हें कोई भी नज़र नहीं आया और वो वहाँ से आगे बढ़ने लगे। जब वो उस जंगल और पहाड़ी के रास्ते से होकर गुजर रहे थे, उन्हें साफ साफ अपने कदमों के साथ किसी और के भी चलने का एहसास हो रहा था। साथ साथ उन्हें ये भी महसूस हो रहा था कि कोई उनके बिल्कुल ठीक पीछे चल रहा हो, जिसकी सांसों को वो महसूस कर सकते थे। उन्होंने कई बार पीछे मुड़कर देखा, जबकि आपको अगर ऐसा एहसास हो तो आपको मुड़कर कभी भी नहीं देखना चाहिए। ये गलती उन लोगों ने कर दी थी। इससे बड़ी गलती करके वो वहाँ उस खदान से अपने लिए चूना उठाकर ले जा रहे थे, जो कि उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो जैसे तैसे अपने घर तक पहुँच चुके थे, घर या झोपड़ी आप उसे जो कहना चाहें। वो उसके अंदर चले गए और उन्होंने वो चूना जो वहाँ से लेकर आए थे घर के बाहर ही एक बोरी में डालकर रख दिया। अब रात के खाने का इंतज़ाम करके सारे लोग खाना खाकर आराम करने लगे। उनकी वो छोटी बच्ची बार बार दरवाजे की तरफ इशारा करके माँ को वही बताने की कोशिश कर रही थी कि उसे वहाँ पर कोई महिला दिखाई दे रही है। ये वही महिला है जिसको कि मैंने शुरुआत में आप सबको बताया था, आप साइकिक भी कह सकते हैं, जिसको सबसे पहले इस घटना का आभास हुआ था। आज भी उस महिला को दिन में भी वहाँ पर आसानी से देखा जा सकता है। वो महिला यहाँ उनके घर तक आ चुकी थी और बच्ची उसको देखकर लगातार रोए जा रही थी। माँ ने कई बार बच्ची को कुछ खिलाकर, दूध पिलाकर शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिश नाकाम हो गई। अब थक हार कर पति को वो अंदर झोपड़ी में सोता हुआ छोड़कर बाहर बच्ची को लेकर टहलने लगी। जब वो बच्ची को लेकर टहल रही थी और उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी, तब उन्हें बार बार ऐसा दिखाई दे रहा था कि कोई एक परछाई उनके साथ चल रही है। उन्हें उस परछाई को देखकर ये साफ साफ आभास हो रहा था कि वो किसी महिला की ही परछाई है। वो जितनी बार पलटकर उस परछाई को देखने की कोशिश करती, उतनी बार उनको कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन उनकी बच्ची का रोना कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ चुका था। अब ये सारी चीज़ें देखकर उनको काफ़ी डर महसूस होने लगा था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ या उनकी बच्ची के साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो साफ साफ वो परछाई हर बार अपने बगल में महसूस कर रही थी और वो सांसें भी जो उन्हें रास्ते में आते वक्त महसूस हो रहा था। ऐसे ही करते करते लगभग आधी रात बीत चुकी थी और उनकी बच्ची
अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ और कैसे हुआ, लेकिन उनकी बच्ची बिल्कुल शांत पड़ गई। लगा जैसे वो बेहोश हो चुकी है। उन्होंने जब देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी बच्ची बेहोश नहीं हुई है, वो सो गई है। फिर वो अंदर अपनी बेटी को लेकर चली गई और उसे अपने बगल में लिटाकर उसके साथ सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन जब पति की नींद खुली तो उसने देखा पत्नी बहुत ही आराम से सोई हुई है। उसके दोनों बच्चे उठकर उसके बगल में बैठकर रोए जा रहे हैं। उसे ये चीज़ देखकर काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि इसके पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसकी पत्नी इतनी देर तक सोती रही हो, और तो और बच्चों के ऐसे बगल में बैठकर रोने बिलखने के बाद भी उसके नींद पर कोई असर नहीं हुआ था। ये तो आज तक कभी नहीं हुआ था। पति ने तुरंत आगे बढ़कर अपनी पत्नी को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बहुत कोशिशों के बाद भी पत्नी नहीं उठ रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी को आखिर हुआ क्या है। वो थोड़ा पानी लेकर आया और उसने अपनी पत्नी के चेहरे पर पानी का छिड़काव किया। थोड़ी देर में उसकी पत्नी की नींद खुली, लेकिन जब उसकी पत्नी की नींद खुली तो उसका स्वभाव बिल्कुल बदल चुका था। वो अपने पति पर भड़क कर चिल्लाने लगी, अपने पति के ऊपर गुस्सा करने लगी। इससे पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने अपने रोते हुए बच्चों के तरफ भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो वहाँ से उठकर उसी तरफ, उसी पहाड़, उसी खदान के तरफ जाने लगी। और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लेकर आने की? मैं वापस जा रही हूँ और मेरा सामान भी मैं लेकर जा रही हूँ। इतना कहकर वो अपने झोपड़ी से बाहर निकली और बाहर बोरी में रखे हुए चूने को उठाकर वहाँ से उस पहाड़ी के तरफ आगे बढ़ने लगी। पति भी अपने पत्नी का पीछा करते हुए उसी पहाड़ी तक पहुँच गया और उन्होंने काफ़ी आवाज़ दी, अपने पत्नी को रोकने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ना तो कुछ सुनने को तैयार थी और ना ही रुकने को। दोनों उसी तरह वापस उस खदान तक पहुंच चुके थे और वहां पर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी अचानक से गायब हो चुकी थी। उसने अपनी पत्नी को चारों तरफ आवाज़ देकर ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे ये बात अच्छे से पता थी कि उसके दोनों छोटे बच्चे वहाँ झोपड़ी में अकेले हैं। वो पहले अपने झोपड़ी के तरफ गया और अपने बच्चों को उठाकर वहीं उस खदान के पास लेकर आया। एक पेड़ के पास बिठाकर अब उसने अपनी पत्नी को चारों तरफ आवाज़ देकर ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसकी पत्नी कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। वो ढूंढते ढूंढते उस खंडहर बनी जगह में पहुंच चुका था और वो जैसे जैसे अंदर जाता जा रहा था उसे भी खुदाई का काम करते हुए मजदूरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मजदूरों की चीखने चिल्लाने और बचाव के लिए चिल्लाने की आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी। कल वहाँ पर आने के बाद पति को तो ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि इस जगह को बंद पड़े काफ़ी समय हो चुका है, तभी ये जगह इस तरह खंडहर की तरह पड़ी हुई है। लेकिन उसे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि अगर ये जगह बंद हो चुकी है तो यहाँ अभी भी खुदाई का काम कौन कर रहा है। वो करीब करीब सुबह से शाम तक अपनी पत्नी को वहाँ पर ढूंढता रहा। उसके बच्चे वहीं बाहर पेड़ के नीचे भूख से रोते बिलखते चिल्लाते रहे, रोते रहे, लेकिन पिता बार बार बच्चों के पास आता, उनको शांत कराने की कोशिश करता। पानी की बोतल जो अपने साथ लेकर आया था वो उनको पिलाकर थोड़ी देर के लिए शांत कराता, फिर अंदर जाता, अपनी पत्नी को ढूंढता, लेकिन उसकी पत्नी का कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा था। वो अब काफ़ी परेशान हो चुका था।
आखिरकार थक कर वो आकर अपने बच्चों के पास बैठकर रोने लगा। फिर अचानक उसके पत्नी की उसे पुकारने की आवाज़ उसी खंडहर के अंदर से आने लगी। वो ये आवाज़ सुनकर तुरंत उठ खड़ा हुआ और अंदर फिर से उस खंडहर के चला गया। वहाँ पहुँचने के बाद उसने फिर से अपनी पत्नी को आवाज़ें लगाना शुरू किया और अचानक उसके सामने उसकी पत्नी आकर खड़ी हो गई, लेकिन उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका था और वो काफ़ी भयानक लग रही थी देखने में। पति भी तुरंत उसे देखकर डर गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला और उसे लगा शायद सुबह से लेकर अभी तक इस खदान में रहने के वजह से इसको इधर उधर ये चूना और चोटें लग गई होंगी जिसके वजह से ये ऐसी दिख रही है। और उसने अपनी पत्नी के पास जाकर उसे हाथ पकड़कर अपने साथ चलने को कहा। जैसे ही उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, वैसे ही उसकी पत्नी ने तुरंत उसे हवा में उछालकर एक तरफ फेंक दिया, जिससे कि वो एक दीवार से जा टकराया। उसे काफ़ी चोटें लग चुकी थी, उसके सर से खून निकल रहा था। तुरंत उसकी पत्नी एक झटके से उसके पास पहुंच गई और उसने उसकी चोट से निकलते हुए खून में अपनी जीभ लगाकर उस खून को पीना शुरू कर दिया। ये देखकर पति काफ़ी डर चुका था। अब वो वहां से उठकर भागना चाहता था, दूर होना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सका। देखते ही देखते उसकी पत्नी ने उसको मार डाला और बच्चों की रोती बिलखती आवाज़ें सुनकर बच्चों को भी उसने बहुत ही बेरहमी और निर्दयता से मार डाला। काफ़ी देर बाद सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने पति और बच्चों का ऐसा हश्र देखकर वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उस जगह पर खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस जगह पर स्थानीय लोग भी आने जाने से डरा करते हैं, लेकिन कई दिनों बाद वहाँ के आसपास से जब कुछ लोग गुज़र रहे थे तो उन्हें उस जगह से अजीब सी बदबू आती महसूस हुई। और जब वो वहाँ उस तरफ पहुँचे तो उन्होंने इन सारे लाशों का अजीब और बेरहम सा इतना गंदा हश्र देखा। उन्हें ये बात समझते देर नहीं लगी कि ये भी उन कुछ लोगों में से हैं जो कि ऐसी अतृप्त आत्माओं की बलि चढ़ चुके हैं। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो जो आप चाहते हैं हमारे साथ और हमारे सारे दर्शकों के साथ शेयर करना, तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।